जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारे पास है संस्कृत का पेपर 2022 और हमारे पास सेट कोड जी है। आप लोगों के पास जो भी सेट कोड होगा, सभी में प्रश्नोत्तर सेम होते हैं, बस उसका इधर उधर करके प्रश्न दिया हुआ रहता है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसे पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर चलेंगे। तो ये देख सकते हो, हमारे पास प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पेपर है वो है, अभी देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, अलस कथा। देख सकते हो दूसरा नंबर क्वेश्चन, तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। आप लोग मिला लेना, आप लोगों ने कितने सही किए हैं और कितने गलत। हालांकि आप लोग देख लेना, इधर उधर क्वेश्चन होगा तो आप लोगों मिलाकर लिख लीजिएगा। देख सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन, हम लोग के सेट कोड जी में है, आप लोग में यही क्वेश्चन 13, 14, 15 किसी में भी हो सकता है। मुनीरियम में किन किन वर्णों की संधि है? तो विसर्ग हो जाएगा प्लस ए अ हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हो, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पित्रा देश का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पितृ प्लस आदेश। निरोग की संधि विच्छेद क्या होगी? तो निरोग, बी नंबर क्वेश्चन। नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारे जी सेट कोड में कहता है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नई समास। चलिए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ तो देख लिए हैं, हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमी। और नौवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भिन्नार्थार्थनाम भय हेतु। नौवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। भिन्नार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसमें देखिए, बाल सर्पात विभेति, यही सी नंबर क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन देख लो, वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो वनिता विवाह विद्वान विदितम। तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, जब अलस कथा में आग लगी तब कौन सबसे पहले भाग गया था? तो जब अलस कथा में आग लग गई थी तो सबसे पहले धूर्त भाग गए थे और आलसी वही उस कच्छ में सोए हुए थे। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लो, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लो, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो आप लोग देख सकते हो, देशभक्ति होना चाहिए भारत के प्रति हम लोगों को। किशोरी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, ज्ञान प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा? तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ज्ञातवान नहीं तो ज्ञानवान, यही दोनों में से कुछ हो सकता है। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, इसीलिए आप लोग देख लेना, मैं गलत नहीं बताऊंगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लो, सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो इसका हो जाएगा वर्तमानम। 17 नंबर क्वेश्चन देख लो, नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन हो जाएगा। ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो इसका ठक प्रत्यय का हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन का आंसर, 18 का सी। 19 का हो जाएगा, भवेत किस लकार का रूप है? तो लट लकार। बहुत ही आसानी से हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो,
वाची में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है इसमें। अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है? तो इसमें होता है मरणोपरांत। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, आप लोग मिला लेना, हालांकि मैं मिला लिया हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। हमारा हो गया 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हालांकि मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को अगली वीडियो किस पर चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह के वक्त। ये 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लो, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो 26 का सी हो जाएगा, योग से नहीं तो वृत्ति से। नहीं, योग की विद्या की रक्षा योग से होती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आप लोग देख लेना। हालांकि 27 नंबर देख लो, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाला या तो विद्या या तो क्षमा, यही दोनों में से। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो, मैं आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा, इसलिए आप लोग जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसमें आप लोग देख लेना। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक थे? तो इसका 10 हो जाएगा। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? तो इसको गुरु ने कहा था। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो हो जाएगा भीखन टोला। हालांकि देख लो, 31 नंबर क्वेश्चन तो सभी को आया होगा, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य सत्य का। अभी देख लो, हमारे पास साइंस का भी क्वेश्चन पेपर है और ये सोशल साइंस सभी का है। आप लोग इस वीडियो के बाद जरूर उसको जरूर देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चंचल पद में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो इसका समास हो जाएगा, सभी लोग बना लिए होंगे। किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो समास हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लो, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो इसका प्रजा प्लस तंत्रम हो जाएगा, प्रजातंत्रम। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पृथक कव्य के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो इसका चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यस्य च भावेन भावल भावल लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है? तो इसका हो जाएगा गोसु कृष्णा बहुरीछा बहुछीरा। नहीं तो इसमें ये भी लग रहा है। अच्छा, 37 नंबर आप लोग देख लो, निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका देख लीजिए पंचमी। और 38 नंबर देख लीजिए, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सम उपसर्ग है इसमें। और धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो इसका बी हो जाएगा, धनुष। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस्थि अस धातु का रूप है, सभी लोग जानते हो। किम प्रस्त्र में कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनेगा इसमें। तो और 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय है। और 43 नंबर क्वेश्चन देख लो, हन धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप कौन सा है? हंती हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लो, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव, सही है। और 45 नंबर क्वेश्चन देख लो, किस पद में स्वर संधि है?
तो इसका सैनम हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन इसका आंसर। और कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका बी हो जाएगा। एतत् प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी, तो इसका एतत् प्लस श्रुत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ये संधि क्या होगा, संधि विच्छेद नहीं संधि क्या होगा, तो इसका ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सही। हमारा अगला क्वेश्चन देख लो, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्णभार रूपक से ए नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। और वास्तव में अशांति के कितने कारण होते हैं, तो वास्तव में अशांति के कारण दो होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो ये प्रश्नोत्तर में है आप लोग देख लेना। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी पाठ में है, तो कर्मवीर कथा में। दलित बालक राम प्रवेश राम की कथा है कर्मवीर कथा। और ये देख सकते हो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात, गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ये आप लोग सभी पढ़े हो गए। और इस पाठ से लगता है कि पाँच छः क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो इसी पाठ से आ चुके हैं। देख लो, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो घर चले गए थे। और उसके बाद देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे, तो मथुरा चल गए थे। और ये देख सकते हो कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा सी नंबर सी क्वेश्चन 56 का सी क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अरे यार, अच्छा देख लो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, तो यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ, पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है, तो चित्रकूट की। और ये देख सकते हो कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो ये वाल्मीकि है। और देख लीजिए, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है, तो सीता को। ए नंबर क्वेश्चन ए सही हो जाएगा 60 का ए। और देख सकते हो 61 में जनक की सभा में कौन थी, तो मैत्रेयी थी। हालांकि गार्गी जो थी वो महिला वकील थी, बहुत सारे लोग गार्गी को मार दिए होंगे, हालांकि कोई बात नहीं है, एक दो तीन चार पांच छह गलतियां तो होती ही हैं। और देख सकते हो मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो गंगा देवी का। 63 नंबर क्वेश्चन देख लो कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो कवियों और शास्त्रकारों। ये सभी मैंने ही टिक लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर जिसमें गलती हो, गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित थे, तो पुराणों से कितने पद्य संकलित थे, तो ये हो जाएगा दो पौराणिक, नहीं तीन होता है ना हो, पुराणों से कितने संकलित हैं, दो हो सकता है या तीन, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना। और 65 नंबर क्वेश्चन देख लो कि भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत कहानी पद्य किस पुराण से संकलित है, तो इसका हो जाएगा विष्णु पुराण। और देख लो कि भारत भूमि सदा से किससे सेवित होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इनमें से सभी इसमें भी हो जाएगा। नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है, तो इसका के हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना। 69 नंबर देख लो कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, तो ये मंत्री थे। गोलघर कहाँ है, तो पटना में। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, तो भवताम। और देख लो तिष्ठति में धातु क्या है, तो ये तिष्ठ धातु हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है, तो हंतुम। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है,
तो अत्र निपुणा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो ये देख लो, ये नंबर क्वेश्चन और ये नंबर आंसर। 76 का व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से संकलित था। आगे देख लेते हैं कि बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था। व्याघ्रपति कथा में कुत्र एवं कंकणम किसका कथन है? तो ये बाघ का कथन तो नहीं हो सकता है, पथिक का, बाघ का या तो पथिक का, यही दोनों बोल सकते हैं, नहीं तो लेखक और अर्जुन थोड़ी ही बोलेंगे। 79 क्वेश्चन देख लो कि किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग रूप साध्वी होता है। हालांकि जो 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 क्वेश्चन पर मुझे डाउट था वो आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैं गलत नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 81 क्वेश्चन देख लो, 81 नंबर क्वेश्चन। तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तो असद। और निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग क्या है, पद में उपसर्ग क्या है? तो नी हो जाएगा इसमें। और किस पद में परी उपसर्ग है? तो परिणाम। और देख लो 84 नंबर क्वेश्चन, किस प्रत्यय में सप्तम्याधिकरण ने च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो इसका ए हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग, और 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना। 87 नंबर क्वेश्चन देख लो, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी होती है उक्त कर्म में। आगे देख लो, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है नीलकंठ में। आगे देख लेते हैं हम लोग, किस पद में द्विगु समास है? तो सप्तमी पद में द्विगु समास है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष। 91 क्वेश्चन देख लो, मथ प्लस कत्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? तो मथित्वा होता है। और 92 में देख लो, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका दा हो जाएगा। 93 देख लो, रचक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो रचकी, अनोर्णीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। ये देख लो, ये तो सभी का रटा हुआ है, ये श्लोक सभी ने रटा है, अनोर्णीयान वाला। आगे देख लो कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इसमें 5 मंत्र थे। आगे, पटना में हमेशा युद्ध और आग और बाढ़ से भयभीत रहेगा, ये तो गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध। आगे देख लो, काव्यवी मानसा के कवि कौन थे? तो राजशेखर थे। और अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित है। अलस कथा कैसी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा थी। और अच्युत राय की किस नगर के राजा थे? तो राजनगर के, विजयनगर के थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। तो हालांकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन मैंने करवाए रखा है, और अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बात करें, तो सब्जेक्टिव में था अपठित गद्यांश जो आप लोगों को खोज कर लिखना था, ये भी था, और देख सकते हो ये दो अथवा करके दिया हुआ था, और संस्कृत पत्र लेखनम में देख लो कि क्या क्या दिया हुआ था। अपने विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास संस्कृत में लिखें। तो इसमें से दो प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें शुल्क माफ करने हेतु प्राध्यापक को एक आग्रह पत्र लिखें। मैं इस चारों में से एक आप लोगों को VVIP बता देता हूँ कि ये आप लोग जरूर याद कर लेना, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, 2023 में जो आप लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए कि हालांकि ये कोरोना महामारी के बारे में सभी जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें लिखने के लिए आए थे, हालांकि आप लोग में नहीं आएगा, आप लोगों को मैं ये जरूर जरूर से करवा दूंगा। इसमें से एक पेज है, उसमें से आप लोगों को 50 पर आप लोगों को लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेना ऐसे। और अनुवाद की बात करें तो अनुवाद भी आया था बनाने के लिए,
और सबसे लास्ट में आया था आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखने के लिए, अपने पार्ट से हिंदी में इसका उत्तर देना था। पाटलिपुत्र का विशेषता बताना था, पाटली पटना के प्रमुख स्थलीय दर्शनीय स्थल के कौन कौन से हैं वो लिखना था, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं ये लिखना था। हालांकि ये सभी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, और अगर आपने मेरा वीडियो अभी यहाँ तक देख लिया है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना कि संस्कृत में मैंने कितने लिखवाए हैं। उसमें से आप लोगों को जितने भी पाठ एक से लेके पाठ है जितना भी तक ले है, जितना तक है शास्त्रकारा मंगलम से लेके शास्त्रकारा, सभी के प्रश्नोत्तर मैं कराऊंगा, वो भी आप लोगों को उसमें से बाहर आप लोगों के परीक्षा में कभी नहीं आएगा, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये अगली वीडियो में आप लोगों को दे दिए जाएंगे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।